महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उद्धव गुट के सांसद और शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता ने इस घटना को लेकर एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा, कुछ लोगों के मन में सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि उन्हें अब जमीन पर टिकना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग किले पर भारतीय सेना के कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ये उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया। कोल्हापुर के संभाजी राजे छत्रपति समेत कई लोगों ने इस जल्दबाजी पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। सांसद संजय राउत ने सीएम शिंदे पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से जुड़े सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के करीबी थे। नतीजन वहां लगाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अब टूट चुकी है। ये घटना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का टूटना न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान है, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा पर भी आघात है। प्रशासन अब बहाने बना रही है कि हवा तेज थी, लेकिन सच तो यह है कि हवा उनके दिमाग में घुस गई है।